नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, आज इसके बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसका उपयोग कैसे करना है, क्या है सूचना का अधिकार, क्यों प्रयोग करना चाहिए, कौन कर सकते हैं, इन सारी बातों का जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अवश्य लेंगे। आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते रहेंगे बिना स्किप किए हुए। यह एक पुस्तक है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसमें लोक सेवाओं का अधिकार और लोक शिकायत निवारण अधिकार तीनों इसमें दिया गया है। लेकिन आज मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित ही बातें इसमें करूँगा कि इसका क्या उपयोग है, यह क्या है सूचना का अधिकार RTI। आप लोग इस किताब को भी रख सकते हैं। यह लॉ पब्लिशिंग हाउस पटना से प्रकाशित की गई है। हर भारतीय को सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी रखनी चाहिए और सूचना का अधिकार क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ देख लें, आप लोग ध्यान दें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का हक है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है वह क्या, कहां, कैसे कर रही है। इसके साथ ही हर नागरिक इस सरकार को चलाने के लिए टैक्स देता है। इसलिए भी नागरिक को यह जानने का हक है कि उसका पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। जनता के यह जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हम लोग टैक्स जमा करते हैं उसका उपयोग सरकार किस तरह खर्च करती है, कहाँ खर्च करती है, इसको जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है। 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जागेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती। 2005 में भारत देश की संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगे और किस प्रकार सरकार जवाब दे होगी। आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि यह भारत लोकतांत्रिक देश है। इसमें हर नागरिक ही, हर जनता ही भारत का असली मालिक है और यह जनता सरकार को टैक्स देती है। हर एक वस्तु में हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है और उस टैक्स के पैसे ही यह देश चलता है। लेकिन हम आम नागरिक उस टैक्स के बारे में नहीं जान पाते कि हमारा कहाँ किस आधार पर रुपये का खर्च किया जा रहा है या गलत ढंग से किया जा रहा है। इसकी जानकारी लेना ही जनता की यह जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है। इसलिए अपने दिए गए टैक्स को कहाँ सरकार खर्च कर रही है इसके बारे में हम लोगों को अवश्य जानना चाहिए। और असली मालिक हम आम जनता ही हैं। जिस नेता को चुनते हैं वो ही देश को चलाते हैं और हमारे ही टैक्स के पैसे से सरकार हर सर्विस वाले को भी वेतन के रूप में देती है और हर जो भी पदाधिकारी हैं वो हम लोगों के लिए लोक सेवक हैं। उनको सेवा करने का अवसर दिया गया है, ना कि उनको लूटने का या घोटाला करने का या किसी भी तरह का टैक्स के पैसे का गलत उपयोग करने का। इसलिए हम आम नागरिक को इसका अधिकार मिला है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। आप लोग इसका अवश्य उपयोग करें। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे सूचना अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके। हम लोग सरकार के से कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सकते हैं,
किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकते हैं, किसी भी सरकारी काम को जांच कर सकते हैं, किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सकते हैं। यह सब अधिकार एक आम जनता को है, हम आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें ही इस पर चर्चा करूंगा। आप लोग लगातार इस वीडियो को देखेंगे, जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाल कलर का सब्सक्राइब का है उसे अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे समय पर नोटिफिकेशन आप लोगों की इस तरह मिलता रहे। तो अब सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है यह आप लोग समझ गए होंगे शायद, और इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए आप लोग अवश्य करें, जिससे देश को हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करवा सकें। अब इसमें है कि हर सरकारी विभाग में एक या अधिक लोक सूचना पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो छोटे कार्यालय हैं जैसे थाना हुआ, अंचल हुआ, प्रखंड हुआ, इसके जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं वो ही लोक सूचना पदाधिकारी होते हैं। जैसे प्रखंड के लोक सूचना पदाधिकारी BDO साहब हुए और अंचल का CO साहब हुए, वो खुद ही लोक सूचना पदाधिकारी भी हैं। इस तरह उनसे सूचना मांगी जा सकती है, सूचना देने का 30 दिन का नियम है, कुछ कुछ मामले में 45 दिन लग सकता है। यदि लोक सूचना पदाधिकारी स्वसमय 30 दिन के अंदर सूचना नहीं देते हैं तो उन्हें जो है आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। अगर आवेदक लेने से मना करता है या तय समय सूचना उपलब्ध नहीं कराता अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 का जुर्माना उनके वेतन से काटा जाएगा। यह एक अच्छा इसमें नियम बना हुआ है, इसलिए उस पर दबाव पड़ता है, जो वो सही सूचना देने नहीं देने पर उन्हें जुर्माना भी लगता है और कईयों को लग चुका है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, आप लोग अवश्य इसका उपयोग कर जुर्माना लगा सकते हैं। अब सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस देनी होती है। केंद्र राज्य सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये का फी इसमें लेने के लिए बताया गया है, फी ले सकते हैं। और BPL कार्डधारी जो हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम 7(5) के तहत निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है। इस प्रकार हम लोग सूचना मांग सकते हैं और 10 रुपये का फी दे करके। फी आप डिमांड ड्राफ्ट से भी दे सकते हैं या पोस्टल ऑर्डर के रूप में दे सकते हैं, बैंकर चेक से देते हैं या ऑफिस कार्यालय में आप नगदी जमा करते हैं तो आपको वहां नगद भी जमा करा सकते हैं। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यरत कर रहा है हमारे देश में, इसकी जानकारी हम सभी अवश्य रखें। अब कुछ मैंने यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट को रेखांकित किया है। लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इनकार करता है या परेशान करता है तो इसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है। अगर आप लोग जहाँ जाते हैं नहीं लेता है या इनकार करता है या किसी तरह की परेशानी होती है तो आप राज्य सूचना, हरेक भारत के हरेक राज्य में राज्य सूचना आयोग है, वहां आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना को अस्वीकृत करने और पूर्ण भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना देने के लिए अधिक फी मांगने के खिलाफ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी सूचना केंद्र सरकार से जुड़ी है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत करेंगे, और आपका शिकायत अगर राज्य सूचना आयोग से है तो राज्य स्टेट लेवल से है तो आप राज्य सूचना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब है जो सूचना सांसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता उसे किसी भी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो सूचनाएँ सांसद और विधानसभा में मांगी जाती है या सार्वजनिक की जा सकती है तो उसे हम आम जनता को भी जानने का अधिकार है। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देता है
या आठ का धारा आठ का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करता है या दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर संबंधित लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है धारा 19(1) के तहत। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि 30 दिन के अंदर आपको सूचना नहीं दी जाती है तो आप उसके जो भी लोग सूचना पदाधिकारी हैं उसके वरिष्ठ पदाधिकारी के यहाँ प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। जैसे आप यदि थाना से सूचना मांग रहे हैं तो उसके वरिष्ठ पदाधिकारी एसपी साहब हुए एसपी साहब को आप प्रथम अपील लगा सकते हैं। अगर सीओ वीडियो से सूचना मांगा है तो आप एसडीओ साहब को लगा सकते हैं। अगर आपने एसडीओ साहब को सूचना मांगा है तो आप डीएम साहब के यहाँ लगाएं। अगर आप डीएम साहब को सूचना लगाए हैं तो आप उनका अपील कमिश्नर साहब के यहाँ कर सकते हैं या डीएम साहब के यहाँ जो लोक सूचना पदाधिकारी होते हैं वो एडीएम साहब होते हैं तो उनको खिलाफ आप प्रथम अपील डीएम साहब को भी लगा सकते हैं। यह आप लोग ध्यान रखेंगे 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलने पर आप प्रथम अपील कर सकते हैं और यदि प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं है अगर प्रथम अपील ये पदाधिकारी भी कुछ सौ समय नहीं करते हैं तो आप 60 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में सेकेंड अपील धारा 19(3) के तहत कर सकते हैं। इस प्रकार जो है यह प्रक्रिया है अपील करने का। आप लोग अपील भी अवश्य करें अगर सूचना नहीं दी जाती है तो। अब है सूचना अधिकार रिश्वत का सटीक इलाज है। यदि आप किसी भी कार्यालय में किसी काम के लिए अपना आवेदन देते हैं या जिस भी प्रक्रिया से ऑनलाइन हो या जिस भी माध्यम से उस बारे में सूचना अवश्य मिले। अगर कोई रुपया पैसा मांगता है तो इसकी भी शिकायत करें उस पर RTI लगा के अवश्य पूछें कि यह मैंने जो काम दिया था आप कब तक पूरी होगी इसमें किस कारण विलंब हो रहा है इसमें दोषी पदाधिकारी कौन कौन है दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध किन किन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। तो आशा है आप लोग सूचना का अधिकार क्या है इसके बारे में भी जान गए कैसे प्रयोग करना इसकी भी कुछ जानकारी हो गई। इस तरह की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देती जाती रहेगी जिससे आप लोगों को भी जानकारी लेने में आसानी हो। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको अब सब्सक्राइब कर लें जिस तरह आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और इसका उपयोग आप लोग अवश्य करें। इस किताब को भी अगर उपलब्ध हो तो आप लोग रखें और अच्छी किताब है इससे आप लोग पढ़ के बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग अवश्य रखें। जय हिंद।